क्या जॉनी बदला ले पाएगा? अरे भाई आई को सोल भी आ गया ऊपर से ले लिया भाई। लेट्स फ्रीकिंग गो में मान लिया इज द वेरी फ्रीकिंग स्मार्ट प्ले। चलो जॉनी ना, जॉनी का 5 सोलो फिनिशेस। इट्स बीन अ व्हाइल सिंस आई हैव सीन दिस मैन गो। एनिग्मा का एक ही बंदा बचा रहा विद दैट इट्स अ विनर विनर चिकन डिनर फॉर God like esports, bhai, good to see them back. So, hello everyone, this is Mr. Spikers. आज का वीडियो काफी ज़्यादा इंटेंस होने वाला है, क्योंकि आज है Uptrust Esports India Rising Grand Finals का आखिरी दिन। आज के 6 मैचेस के बाद we will have our champions. लीडरबोर्ड में देखा जाएगा तो मेरा कैलकुलेशंस के अकॉर्डिंग तो टॉप 3 में चल रहा है हाइड्रा, आईकू सोल एंड ओजी। आई रियली वॉन्ट ओजी टू विन दिस टूर्नामेंट, बट जो फ्लो में हाइड्रा चल रहा है, जो फ्लो में आईकू सोल चल रहा है, मेरे को लगता है बहुत टफ कॉम्पिटिशन होगा इन तीनों के बीच में। अगर सरप्राइज में कोई और टीम आके अगर क्लाइम करेंगे, लाइक गॉड लाइक हो गया, टीम तमिलास हो गया, तो आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड, बिकॉज़ पोटेंशियल दोनों टीम्स के अंदर भी है। सस्पेंस इज रियल। आल्सो अ लिटिल अपडेट रिगार्डिंग गॉड लाइक स्पोर्ट्स। फर्स्ट गॉड लाइक नहीं, लेफ्ट गॉड लाइक, एंड ये जा रहा है कोई दूसरा ऑर्ग में, वो ऑर्ग मोस्ट प्रोबेबली कार्निवल गेमिंग होगा, आई एम नॉट श्योर। नेक्स्ट जी गॉड भी अपना स्टेटमेंट दे दिया, ही इज नॉट लीविंग गॉड लाइक। जॉनी की साइड से कुछ अपडेट देखने को नहीं मिला, बट एज फार एज जी गॉड एंड नियो आर सेइंग, जोनाथन इज स्टिल ऑन द फेंस about staying or leaving, but जो भी होगा after BJS ही होगा। Now talking about godlike lineup, दो नया additions हुए थे godlike esports में, एक का reveal हो गया, वो है Admino, but दूसरा player exactly कौन है? बहुत सारे speculations चल रहा है, but सबसे famous तो ये दोनों players है। एक है middle esports का top dog, दूसरा है revenant esports का सिंप। इन दोनों को छोड़कर कोई भी दूसरा नाम नहीं आ रहा है मार्केट में। आई नो एक्जैक्टली हु इट इज। लेट्स सी हाउ स्मार्ट माय ऑडियंस आर। कमेंट करो अकॉर्डिंग टू यू कौन हो सकता है इन दोनों में से। लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू गेस करेक्टली। मैं रिवील कर सकता हूं, बट रिवील कर दूंगा तो अनप्रोफेशनल हो जाएगा, बट आंसर तुम्हारे सामने रखा, समझने वाले समझ जाएंगे। चलो बाकी टॉकिंग अबाउट टुडे, आज के 6 मैचेस बहुत मजा आएगा। द मैच 1 इज अबाउट टू बिगिन। अपना वीडियो में आगे बढ़ने से पहले नीचे एक लाइक वाला बटन होगा, उसको फटाफट हिट कर देना ऐसे वीडियोस हर रोज देखने के लिए। एंड ऑल्सो सब्सक्राइब भी कर दो यार, वी आर वेरी क्लोज टू 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स। लेट्स मेक इट हैपन गाइस। 1 मिलियन अच्छा लगेगा YouTube पे देखने में। Let's make it happen. And with that being said, now let's get started. तो गाइस, जैसे आपको पता है, Unipin सबसे सेफ, सिक्योर एंड फास्टेस्ट प्लेटफॉर्म है BGMI UC खरीदने के लिए। और अभी Unipin पे 26% एक्स्ट्रा बोनस भी मिलने वाला है। जी हाँ गाइस, 26% एक्स्ट्रा बोनस। Unipin पे आपको बहुत सारे ऑफर्स मिलने वाले हैं। अगर आप 60 BGMI UC खरीदेंगे तो आपको मिलेगा 66। अगर आप 300 BGMI UC खरीदेंगे तो आपको मिलेगा 360। अगर आप 600 BGMI UC खरीदेंगे तो आपको मिलेगा 720। एंड फाइनली अगर आप 1500 BGMI UC खरीदेंगे तो आपको मिलेगा 1950। 400 एक्स्ट्रा UC सिर्फ Unipin में। पहले आप ही तो बोल रहे थे Unipin में ऑफर्स नहीं चल रहे बोल के, भाई अब तो 26% का बोनस भी दे रहे हैं, अब कौन सा बहाना दोगे आप? तो गाइस अब नो बहाना, Unipin पर साइन अप कीजिए और BGMI UC टॉप अप कीजिए। टॉप अप ऐसे करते हैं, सबसे पहले डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से Unipin की वेबसाइट में चले जाना और उसके बाद BGMI सेलेक्ट कर लेना, क्योंकि आपको BGMI UC खरीदना है। उसके बाद ईमेल यूजर आईडी आपको दिख रहा है इधर, ईमेल ऑप्शनल है, बट अगर तुम्हें ऑफर चाहिए तो ईमेल भी दे देना एंड अपना BGMI यूजर आईडी की जगह पे दे देना। उसके बाद जो भी UC आपको परचेस करना है, 60, 300, 600, 1500 जो भी सेलेक्ट करना, उसके बाद जो भी कंफर्टेबल पेमेंट मेथड है वो सेलेक्ट कर लेना, उसके बाद सीधा परचेस, जो भी कंफर्टेबल पेमेंट मेथड है आपको वो सेलेक्ट कर लेना, बहुत सारे पेमेंट मेथड है इधर, उसके बाद सीधा ट्रांजैक्शन करो एंड अपना यूसी ऐड हो जाएगा इमीडिएटली। अगर मेरा लिंक यूज करेगा जो डिस्क्रिप्शन में है तो आपको 26% का एक्स्ट्रा बोनस मिलेगा। और हाँ, ऐसे ही एक्साइटिंग ऑफर्स के लिए ना Unipin को इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब पे फॉलो जरूर करना, आपको उनके लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब नो बहाना, Unipin को अपनाना। अभी टीम्स जो दूसरे एलाइन पे फंसी है वो प्रीफर करेंगे फाइट करने के लिए, दैट इज व्हाट इज हैपनिंग हियर। आरी वर्सेस जीटी, जीटी का 4 किल हो गया बट 2 मैन है सिर्फ, शैडो नीड्स टू हील। ओए नाउ अपोलो इज द लास्ट मैन स्टैंडिंग फॉर गुजरात टाइगर्स। वो कनेक्शन अपोलो, वो ग्रेनेड लेते हुए आगे बढ़ना चाहते हैं। 1v2 सिचुएशन है उसका, थर्ड पार्टी 1v1 सिचुएशन है, जादू वर्सेस अपोलो। एनिग्मा भी आ गए, सब हो रहा है जोन के बाहर गाइस, दिस इज नॉट इनसाइड द जोन। रिवर्स गियर पे चल रही है वो बग्गी और हंट के लिए निकल चुके एडमिनो। Godlike को 3 किल मिल गया। Jonathan finish, बट इनको नहीं पता कि ब्रिज के ऊपर WSB बेटा है रेडी।
बढ़ने को निकलती थी, एक पॉइंट जा चुका है। वाओ जेली नॉक, वो ब्रिज कैंप तो आपको होता दिखेगा। डब्ल्यूएसबी जो आई थी वो भी बैठी और ट्रेल से नॉक करके, अरे नॉक कर रहा हूं, पुश करके नॉक कर दिया एक को। एडमिनो कि यहां पर फाइट के अंदर जाने का, लेकिन एडमिनो की बात करें, वाओ लुक एट द कॉन्फिडेंस एडमिनो कैरीज विद हिम। बट वो स्प्रेज, वो कवर फायर मुझे अब तक आता दिखा नहीं, वो कैंप कर रहा था ब्रिज का। यहां पर इस गाड़ी एडमिनो के ऊपर पुश करके गाड़ी एग्जिट करके पेल भी दिया भाई, क्या कर रहे थे। समाप्त होते तो एडमिनो नॉक फ्रॉम विंड गॉड मैक्स, फिर वो गॉड लाइक का एक ही बंदा बचा है ट्रेल्स, लेकिन मैं कहूंगा पीछे से एनिग्मा भी आ गया भाई। दैट्स नॉट अ गुड साइन फॉर गॉड लाइक, दैट इज नॉट अ गुड साइन। आ गया किल्स उठाने, अरे भाई खराब लगा, खराब लगा। दो बंदे नॉक कर दिया जली ने, दोनों प्लेयर को डाउन किया। इस गोइंग फॉर द थर्ड वन, कुछ स्प्रे जली भी गया, एनिग्मा फोर मैन हो जाएंगे। पर गॉड लाइक यहां पर इज गॉड लाइक आउट, उन्होंने भी काफी बेहतरीन वाले निकाली। 11 टीम आई थिंक सो, ओए दूर से गॉड्स रेन भी दे रहा है। बट डेस्ट्रो अगर आपको याद हो काफी पहले सर्कल के निकले थे, wow. अभी भी सर्कल के बाहर ही हैं। दैट्स व्हाट हैपेंस व्हेन इट्स अ हार्ड शिफ्ट एंड द जोन गोस टू मिलिट्री एंड हाफ द टीम्स आर स्टक आउटसाइड द जोन। भाई यही होता है उस टाइम पे, जो जो बेटा है जोन के अंदर वो राजा है, तो जोन के बाहर है उन सबका वॉर है। और अभी वॉर चल रहा है, इस वॉर में अभी फिलहाल टीम तमिला सरवाइव कर रहा है। एनिग्मा गया, गॉडलाइक गया, सोल जोन में चले गए क्या? सोल चले गई भाई, थ्री मैन चले गई। जोन का बात किया जाएगा तो फिर हार्ड शिफ्ट, प्रयास काफी अच्छा मगर सर्कल मिलिट्री बेस सर्किल पे ऑलमोस्ट विंड गॉड एकदम डेड सेंटर पे। हाउ डिड आईकू सोल रोटेट फ्रॉम देयर टू देयर? सोल का ड्रॉप है रोजोक स्कूल अपार्ट स्प्लिट, तो उधर लूट करके इधर तक आई थी। हमने जब लास्ट देखा है उसके बाद का रोटेशन देखते हैं। ओ माय, सोल रोटेट करी थी नोवो की ब्रिज से, जोन के बाहर से, फिर पूरा नीचे से। देखो पूरा नीचे से रोटेट करके उधर आया है। वाव, आई होप दैट एक्सप्लेन्स हाउ दे रोटेटेड। चलो अब बढ़ते मैच की तरफ, किया जाएगा तो मेरे को विंड गॉड का बेस्ट लग रहा है। बट आई एम प्रीटी श्योर विंड गॉड के ऊपर स्लैम्स आएंगे, डिफेंड कर पाएंगे तो होगा, नहीं तो मुश्किल है। पार किया हो बट आई बिलीव कि रोटेशन या फिर तैयार के निकलने की कोशिश थी। जी हां एग्जैक्टली, और वहीं आपको पकड़ाती दिखेगी निंजा जॉर्ड, निंजा वहां निकलेंगे और कुछ प्रेज उनके द्वारा। वाज द लास्ट मैन स्टैंडिंग फॉर टीम एक्सपार्क एंड टीम एक्सपार्क बाहर हो चुका है बाय हाइड्रा ईस्पोर्ट्स। देखो इस मैच से बेनिफिट करेंगे हाइड्रा, टीटी एंड आइकोसोल, इन तीनों को छोड़कर बाकी कोई बेनिफिट उतना नहीं करेंगे सर्कल के अंदर जाने के टू विन बाहर बैठी टीम जो टूर्नामेंट। बिकॉज़ पहली चीज उनके पास हाइड्रा आ गया जोन के अंदर, सर्कल का डैमेज लेके आई होंगी, तो ये कुछ एडिशनल बेनिफिट्स हैं। मगर टीम हाइड्रा वो तो आगे बढ़ते ही जा रही, फिनिशर ज्यादा नहीं। नकुल नॉक फ्रॉम अपराइजिंग राइवल्स पेयो, टॉप 3 टॉप 4 तक जा पाए। नकुल आल्सो नॉक, नकुल आल्सो नॉक क्यों बोल रहा हूं मैं, नकुल तो पहले ही नॉक था, फिनिश हुआ। और फाइट्स हो सकती है, वो होती दिखी एस पावर के द्वारा, थोड़े बहुत वो स्प्रे जाते देखे। जोकर एंड एस पावर आर द लास्ट मैन स्टैंडिंग, निकट पहुंच चुकी है सर्कल की, वो एंट्री मिल जाएगी बस आपको यहां से अभी के बाहर जगह फाइटिंग। ओए पावर आल्सो नॉक, हार्ड को पार करना पड़ेगा। जोकर इज द लास्ट मैन स्टैंडिंग, उसका एचपी बहुत लो है, अकेले बचे हैं और कैमरा में नीचे के खिलाड़ी वो भी डैमेज दे रहे हैं। आईक्यू सोल बाहर कियो लमाओ के द्वारा, दिस इज द मोमेंट ऑल द हाइड्रा फैंस आर वेटिंग फॉर आई गेस इन दिस मैच, क्योंकि अब हाइड्रा क्लाइम कर सकता है, उनका कंपटीशन दोनों बाहर हो गया। अगर हाइड्रा चिकन निकालेगा तो भाई सारी बाहर हो हैशटैग वन हो जाएंगे वो इस मैच के बाद। वॉइस मेल को लग रहा है ये मैच हाइड्रा का चिकन हो सकता है अगर वो जोन के अंदर सेफली आ जाएंगे तो। विंड गॉड वर्सेस डब्ल्यूएसबी हो रहा है, ज़िरफ इज द लास्ट मैन स्टैंडिंग फॉर डब्ल्यूएसबी। उसका माल की शुरुआत है ये। आ गया हाइड्रा जोन के अंदर, वाओ वाओ लुक एट द जोन, जोन काइंड ऑफ हाइड्रा को फेवर किया है भाई। अब कन्वर्ट करना ही पड़ेगा हाइड्रा को। हाइड्रा लेट्स गो, हाइड्रा चिकन चाहिए, टू मैन है हाइड्रा, बट इट्स टोटली अचीवेबल विद दैट टू मैन। स्पर्श और डोरा है, दोनों डेंजर प्लेयर्स हैं। ले भाई चलेगा, हाइड्रा चिकन निकालेगा एंड ये क्या हो रहा है अभी। डोरा तो उधर से उठ के जाके रेव तो दे नहीं सकता, रेव इज इम्पॉसिबल फॉर हाइड्रा नाउ, रेव इज आउट ऑफ द विंडो। सोलो मैन, सिर्फ सोलो गेम ही खेल सकता है डोरा अभी। अब वो यही दुआ कर सकते हैं, देखो टीम तमिलास इज टेकिंग ऑल द नोट्स, आपस में फाइट ले और डोरा क्या कर रहा है।
नाइस मोरे डोरा, गुड सर्वाइवल। अभी टीटी वर्सेस विंडवर्ड होगा। अरे भाई डोरा खत्म। 2v3 सिचुएशन है फॉर विंडगार्ड। अब उन्हें कैसे पता चलेगा खिलाड़ी कहां बैठे हैं, क्योंकि खिलाड़ी तो स्मोक के अराउंड घूमते दिख रहे हैं, मगर फॉक्स को बाहर निकलते देखेंगे, दूर से स्मोक के अंदर ढूंढना चाहते हैं और खिलाड़ी को ढूंढा, स्प्रे किया, डैमेज दिया तमिलास, वो सर्कल नाइस वन रे, काइंड ऑफ जोन के बाहर थे सारे टीम तमिलास वाले, बट जो दिए थे ना टोचन जोन के बाहर से स्प्रे कर करके, विद दैट इट्स अ विनर विनर चिकन डिनर फॉर टीम तमिलास। भाई टीम तमिलास #4 या 5 में था I think with that match, फिर top 3 में और एक team आ गया contend करने। The competition is gonna be so tight now, boys. I feel like ये आखिरी match के आखिरी point तक जाएगा और बहुत close, बहुत मजा आएगा। Points table भी आप लोग देख सकते हो, OG अभी भी top पे है, followed by Hydra 9 points behind, Team Tamilas is just 2 points behind, IQ Soul is just 3 points behind for Team Tamilas. Bro, one good match and jump मारेंगे। Godlike 5th में चल रहा है। Like I said, still anything can happen. With that, अपना match 1 खत्म हो चुका है। अब बढ़ते हैं अपना match 2 की तरफ। हर जगह fighty fight चल रहा है। Soul versus Enigma, Hydra versus Uprising Rivals, Godlike versus 8-bit. एडमिनो नॉक फिनिश। अबे ट्रेल्स भी स्मोक के अंदर। यम जे डाल दिया। जोनाथन एंड जेली आर द लास्ट मैन स्टैंडिंग फॉर गॉडलाइक। भाई तुमने पॉज नहीं किया वीडियो को, ठीक है? वो स्ट्रीम का दिक्कत है, मैच सर्वर रिस्पांस टाइम आउट। ओए टेक पॉज, क्या करें अपन। उसके बाद क्या हुआ मैच में हमें देखने को नहीं मिला, सीधा थोड़ा एडवर्टाइजमेंट आए, उसके बाद मैच दिखाया नहीं पूरा, एंड उसके बाद मैच खत्म हो गया, उसके बाद सिर्फ स्टैट्स दिखाया। गेस करो कौन चिकन निकाला, गेस करो, गेस कर लिया, अब देखो कौन निकाला चिकन। दैट्स राइट गाइस, IQ Soul ने चिकन निकाला विद 19 finishes, विनर विनर चिकन डिनर, एंड हमने मिस कर दिया कुछ टेक्निकल ग्लिच की वजह से, जो भी हुआ फाड़ दिया भाई IQ Soul ने इस मैच में। भाई साहब रॉनी 9 सोलो फिनिशर्स, भाई खराब लग रहा है ये मैच, क्यों ऐसा हुआ? कोई बात नहीं, इट इज व्हाट इट इज, होता है ये सब चीजें। इस मैच के बाद Soul इज बैक टू द टॉप, आई थिंक #1 पे आ गया होगा, 29 पॉइंट्स मिला उनको, अगर नहीं आएगा तो भी 4-5 पॉइंट का डिफरेंस रहेगा। सो दैट्स दैट। अब बढ़ते हैं अपना मैच 3 की तरफ। भाई विंडगार्ड हमेशा अर्ली फाइट्स लेता है भाई, बट विंडगार्ड का दो ही बंदे बचे इधर। और मैक्स पे पुश कर देंगे, अब तो कर देंगे। मैक्स नीड टू इधर पुश और रन, उधर बैठ के तो कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन आखिरी खिलाड़ी है तो फटाफट का काम नहीं होने वाला यहाँ पे, बट IQ Soul को आपने रीसेट दे दिया है। अब रेव हो गया, अब करेंगे पुश साथ में, बढ़ते हुए वो एक खिलाड़ी जो बचा है उसे ढूंढते हुए इस बार आगे बढ़ेंगे, रीसेट देते देखेंगे खिलाड़ी जल्द से माने, अभी हिलअप करके रेडी हो चुकी है, अब एक प्लेयर को, अरे भाई साहब को गिराना पड़ेगा। एस पावर विद अ शॉटी इज डिफरेंट भाई, इज बिल्ड डिफरेंट। चलो IQ Soul 3 फिनिशर्स 4 मैन स्ट्रांग, WSD वर्सेस OG एंड गॉडलाइक। जेली ने एक ही को नॉक किया, बट कहां से नेड किया जेली, ओ हीज गॉट फिनिश, ओए ट्रेड ले लिया। गॉड्स फ्रॉम WSB इज द लास्ट मैन स्टैंडिंग, विजगॉड को बचाएंगे या नहीं, गॉड्स है अभी के लिए आखिरी खिलाड़ी बचे हुए, WSB की तरफ से ट्रिगर की तरफ जाना चाहते हैं, कम पार्टी की तरफ बढ़ रहे हैं। ओए नाइस ट्रेड फ्रॉम एश, ट्रिगर को तो डाउन किया बट वहां पे तुरंत कवर फायर आया, ये बहुत अच्छा क्रॉस एंगल। भाई गॉडलाइक कहां है, ट्रिगर निकले इधर है क्या, बचा लिया गया बट इसी बीच ओए होए होए गॉडलाइक वर्सेस हाइड्रा होने वाला है, ड्रीम भी डाउन वर्सेस एनिग्मा आल्सो, तो मुझे काफी कंफर्टेबल नजर आ रही, लेकिन स्पर्श भी इन द मीन टाइम इज लो ऑन एचपी, डोरा को भी डाउन कर दिया गया, हाइड्रा डोरा पे नॉक फिनिश हो गया, स्लोली स्लोली भाई गलत सिचुएशन में फंस गए थे हाइड्रा वाले, स्लिप इन होते हुए नजर आ रहे टीम गॉड लाइक कंफर्टेबल बगल में, लेकिन लेट्स गो जोनी, एक अच्छा फाइट दिखाओ वर्सेस एनिग्मा, जो आंकड़ा वो और ज्यादा बढ़ाया जाए जैसा आपने कहा, लेकिन अभी के लिए
एनिग्मा पे पुश कर दिया सीधा, सो मैन नॉक फिनिश निकालेगा। बस यहां पे सरवाइव करें, आप देखिए कोशिश की जा रही है, जरूर से प्रयास किया जा रहा है, जरूर से एचपी बहुत ज्यादा कम, एक अच्छा कनेक्शन। आई नाइस ट्रेड वे है टीम एक्सपर्क बावर। ओए टीम फॉरएवर 13 फिनिशेस, वो ये कब हुआ? That's what I was thinking, भाई कैमरामैन तो दिखाई नहीं रहा है इनको, कहां मर रहे भाई। जोनाथन नॉक फ्रॉम सीक्रेट्स ग्रेनेड, इतना भी नॉक भाई, क्या जेली एंड ट्रेल्स है। तीन प्लेयर्स को सेकंड्स लगे हां एलिमिनेट होने में। जॉनी इट्स क्लच टाइम, गलत बनी गॉडलाइक, बहुत भारी नुकसान। एनिग्मा लेब्रोन दरवाजे के पीछे है, जोनाथन के ऊपर प्रेशर, ही गॉट वन फ्रैग इन द पॉकेट, लेकिन सामने है दो खिलाड़ी, क्या जोनाथन कर पाएंगे यहां पे ये क्लच? 1v2 की स्थिति है। देखिए स्मोक्स करते हुए, रीसेट करते हुए आगे बढ़ना चाहते हैं, उन्हें पता है कि ग्रेनेड्स आ सकते हैं। प्रॉपर 1v2 है गाइस, प्रॉपर 1v2, मगर सर्कल अरे यार गलत जगह पे फंस गया था, उधर आगे नहीं जाना था पता, बहुत डिसएडवांटेज पोजीशन है वो। टेक नोट्स गाइस, बता रहा हूँ मैं उस जगह से ना, इफ यू वांट टू पुश एंड हिट द एनिमी, सबसे पहले तुम्हारा बॉडी दिखेगा बिफोर योर क्रॉसहेयर गोस ऑन टू द एनिमी। भाई टॉप 3 टीम्स, एनिग्मा, ओजी एंड आई थिंक टीम फॉरएवर, टीम फॉरएवर निकाल लेगा आराम से। इंतजार करिए, और जी हां आग बंद करके बोला मैंने, बोला आई थिंक टीम फॉरएवर बहुत ज्यादा किल्स के साथ चिकन निकाला, लाइक प्रोबब्ली 17-18 आई एम नॉट श्योर, देखते भाई 16 फिनिशेस, विनर विनर चिकन डिनर बाय टीम फॉरएवर। भाई ये टीम है ना वन ऑफ द मोस्ट कंसिस्टेंट टीम्स है इस लॉबी में, बता रहा हूं मैं। नया बना है ओवेस, ओवेस को प्यार दिखाओ, सपोर्ट करो, अच्छा टीम है, पोटेंशियल टीम है, बट इस टूर्नामेंट में आई एम नॉट श्योर वेयर दे आर स्टैंडिंग राइट नाउ, आई थिंक टॉप 8 में होंगे डेफिनेटली, देखते एक बार भाई ये लोग फिर ओवरऑल स्टैंडिंग्स नहीं दिखा रहे। चलो भाई विद दैट अपना मैच 3 खत्म हो चुका है, अब बढ़ते अपना मैच 4 की तरफ, अपराइजिंग राइवल्स वर्सेस हाइड्रा। लेकिन मौके का फायदा नहीं यार, अब 8 बिट ट्रेगॉट को डाउन करेंगे टीम हाइड्रा, गन फाइट है भाई। ओए होए 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 डोरा नॉक, ये एक अलग एंगल बनाया, काफी अच्छा एंगल बनाया हाइड्रा के आगे फिनिश, सामने की तरफ डोरा कंफर्म भाई, हाइड्रा के दो बंदे फिनिश हो गए, तीसरा बंदा भी नॉक पड़ा है, स्पर्श इज द लास्ट मैन स्टैंडिंग फॉर हाइड्रा। अरे भाई साहब हो गया हाइड्रा वाइप, स्पर्श को अपनी डीबीएस, ब्रो दिस इज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर आईक्यू सोल एंड ऑल द अदर टीम्स फॉर कंपीटिंग, सोल वर्सेस जीटी, मस्टैंग जीटी। ओ बहन घोसड़े तेरी माँ की, के पिल्ले तेरी माँ की, प्लेयर। ओए हो गया फाइट, अपोलो नॉक, क्लच गॉड नॉक, जोनाथन ने नकुल को नॉक किया, एके ने रोनी को नॉक किया, एके ने पावर को नॉक किया, भाई माने लास्ट मैन स्टैंडिंग फॉर आई क्यू सोल। Wow. अगर वो थर्ड पार्टी नहीं होते तो भाई जीटी वाइप होता अभी, बट परफेक्ट टाइम पे जोनाथन एंड ओजी का एके ने सोल को थोड़ा सा सप्रेस किया, ओजी पुश भी कर दिया भाई, ये अपॉर्चुनिटी ओजी नॉक, अबे एश नॉक, एक नॉक निकाला अपने लिए, आईक्यू सोल बाहर हुई क्या? नेट होती भी नजर आई, Oh my goodness, कितने टूर्नामेंट देखने को, मान्या स्टैंडिंग स्टिल बहुत ज्यादा, मान्या ने ट्रिगर का पेटी बना दी, घंटी अभी भी मंडरा रही है टीम ओरैंगटैन के सर के ऊपर, क्योंकि अगर आप देखें तो गुजरात प्योर 1v1 विस्कॉट वर्सेस मान्या, काफी सारे फिनिशेस निकाले इस पर्टिकुलर फाइट से, और यहां पे विस्कॉट का एक 1v1 सिचुएशन, मार देगा विस्कॉट, मार देगा है मान्या, विस्कॉट मार देगा, अरे भाई मान्या एडवांटेज ले लिया, एक तरफ मान्या ले लिया एडवांटेज, कोशिश जारी अभी भी विस्कॉट की, देखो जो राइट से लेगा फाइट उसका फायदा होगा, टान के बाजू में जो राइट, ओए ऊपर से ले लिया भाई, लेट्स फ्रीकिंग गो पे मान्या इज अ वेरी फ्रीकिंग स्मार्ट प्लेयर, एक बहुत देखो राइट से एडवांटेज से कैसे भी बोले रहा है, मैं चुपचाप ऊपर से आता हूँ, एक बेटर एडवांटेज होगा मेरे पे, एक नंबर। गॉडलाइक ने टीम तमिलास को बाहर किया, 8 फिनिशेस पर गॉडलाइक स्पोर्ट्स एंड सोल का सिर्फ एक ही बंदा बचा है वो है मान्या, मैं किश्तों में दूंगा बाद में दूंगा। गाइस ये मैच गॉडलाइक का हो सकता है नहीं होगा, मैं बता रहा हूँ 100% गॉडलाइक का चिकन डिनर है ये मैच, लॉक किया जाए कंप्यूटर जी।
लॉक, सिर्फ एनिग्मा इज द ओनली कॉम्पिटिशन, बाकी कोई नहीं है। और ऊपर से गाड़ी है, पगानी है, क्या चाहिए और? शिगेन है बता रहा हूं मैं, शिगेन, शिगेन गुनिया गेम प्ले बेचारा विक्स की। ओए गाड़ी में गटिंग किया क्या उसने? चलो जॉनी ना, जॉनी का 5 सोलो फिनिशेस। इट्स बीन अ व्हाइल सिंस आई हैव सीन दिस मैन गो बिजर्क। तो भाई देखते हैं एंड ऑफ द मैच तक कितने किल्स हो गए। मोस्टली चिकन ही लग रहा है, लग रहा है क्या? मैंने बोल दिया ना हो जाएगा। काफी ज्यादा हाई ग्राउंड और ज्यादा से ज्यादा मैप कंट्रोल करने की प्रक्रिया। जादू सरप्राइज, अरे नहीं दे पाया, सीक्रेट ने मार दिया। देखो 10 बंदे बचे, मतलब 4v 3v, और एक कहा अच्छा हो रहा है गॉड लाइक के लिए, ये लोग आपस में लड़के नंबर्स कम कर रहे हैं। क्या बात है मियां, क्या बात है। जस्ट इज द लास्ट मैन स्टैंडिंग फॉर गॉड्स रेन। और अब आखिरी खिलाड़ी टीम गॉडलाइक के पास यहां पे एडवांटेज है, थर्ड पार्टी करके इस बैटल को यहीं स्वैप करने का। लेट्स फ्रीकिंग गो विद दैट। हो गए सारे के सारे बाहर, एनिग्मा का एक ही बंदा बचा था। विद दैट इट्स अ विनर विनर चिकन डिनर फॉर गॉडलाइक ईस्पोर्ट्स। भाई गुड टू सी देम बैक, सुपर हैप्पी फॉर द टीम। रीसेंट टाइम्स में जो डाउन्स देखने को मिला भाई, ऊपर से ये परफॉर्मेंस बहुत अच्छा लग रहा है, वेल डिजर्व्ड मेरे को लग रहा है। After this tournament announcement हो जाएगा who is Godel Trails बोल के। बाकी I think with this chicken dinner probably Godlike top 2 या top 1, I'm not sure। ये suspense रखेंगे। With that अपना 4 matches खत्म हो चुके हैं, सिर्फ 2 matches बचे। बढ़ते अपना match 5 की तरफ अब। भाई Godlike बहुत बड़ा cluster में है। इस cluster में है Hydra, God's Reign और भी एक team है, is it GT? I think GT और OG। ओए फाइट हो गया गॉडलाइक वर्सेस गॉड्स रेन। और उसी के साथ ओए चली पनिशी बचा, प्रहार तो यहां पे किया जा रहा था बट गॉडलाइक के खिलाड़ी यहां पे ऊपर। ओजी भी आ गया, ट्रेड गेम इनका बढ़िया, बट थर्ड पार्टी में रैंकन मौजूद और विजगॉड यहां पे शोगन को डाउन करेंगे। अरे भाई साहब, विजगॉड एंड एके एकदम क्रॉस फायर बिठाए थे उधर, खतरे कोई तो बाहर हुआ भाई, गॉड्स रेन बाहर हुआ, गॉडलाइक भी लो है। देखिए ओरैंगुटैन जो है उनकी आईजी साहब को यहां पे डाउन किया जा रहा है, गॉडलाइक यहां पे ताहाड़ते हुए नजर आएंगे। अरे भाई साहब, एडमिनो वाज द लास्ट मैन स्टैंडिंग, काफी अच्छा कोशिश किया बट couldn't get the job done। Godlike is out as well at #14। Wow, wow। देखो OG, Hydra, Soul, इन तीनों का गेम बनेगा ये अच्छा वाला। अबे क्या हार्डशिप मार रहा है जोन, किसी ने तो बताया था बीजी अभी अपडेट के बाद इतना हार्डशिप्स नहीं होंगे भाई, झूठे स्कैम है बता रहा हूं मैं। खतरनाक हार्डशिप 10 सोल के ऊपर आ गया सर्कल। भाई सोल का चिकन है ये मैच, लिख के दे रहा हूं मैं, रोक लो, रोक सको तो रोक लो। इधर खेलने वाले हैं टीम डगलस। वाओ, ओजी वर्सेस हाइड्रा, रोनी को उतार दिया माफिया ने, हर बार अगर देखा जाए बेनिफिट किसको मिल रहा है, टीम गया कोई का अच्छी लोकेशन उन्हें रखकर अभी भी रखी है यहां पर। मैक्सिनॉक यहां पे दरकार, मैंट इज आल्सो इन वेरी वेरी बिग ट्रबल। बाद एक खिलाड़ी तो नॉकआउट कर रहे हैं बट अंक प्राप्त करने काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बिकॉज़ टॉप पे जो बैटल चल रहा है। ओए मैंटी कैसा बचा है, जानवर है एकदम, 3 ग्रेनेड खा गया। ग्रेनेड के साथ शायद यहां पे समाप्त हो सकते हैं विजुअल में। भाई साहब जानवर है, गेट इन कर दिया वो गाड़ी में, बट फिर गेट इन टीम तमिलास। भाई अभी तो 6 टीम थे, अभी 3 हो गए एक साथ। ओजी को बाहर कर दिया हाइड्रा ने, फैंटास्टिक डिफेंस ओजी, ओजी क्यों बोल रहा मैं, हाइड्रा फैंटास्टिक डिफेंस हाइड्रा। हाल के लिए तो ओजी यहां पे जूझते हुए, टॉप 3 टीम्स आ रहे हैं, इटबेट सोल बाहर का रास्ता एंड हाइड्रा, बट 3 टीम्स भाई डिसाइडर है अभी। मैंने बोला सोल चिकन, देखते हैं अब क्या होगा। 3 मैन है एक 4v3v2 का ये, Hydra is just waiting for that opportunity। काफी ज्यादा excited हो games because ये होने वाला है। अबे Hydra 2 man है क्या? इसके बाद होगा इस अंक। Hydra 2 man है, हो गया। IQSL का chicken dinner है तो, आसानी chicken dinner है तो। आदित्य knock finish। वो दोनों आपस में लड़ेंगे, मार जाएं। Mighty ने Dora को knock किया। Finish भी हो गया। Bro, they are cornered. They are completely cornered. It's over. The prediction is about to get right. I am excited. Let's go. Graveyard के इस compound में भाई कोई रोक नहीं सकता अब। Needs का वो प्रहार, utility का वो प्रहार। क्या मतलब heal battle होने वाला है? Entry points रोकी जाए।
8 बिट अगर वो नॉक्स नहीं मान्या को देखो आराम से ड्रॉप लूट रहा है आईक्यू सोल स्कैवेंजर बनना है वक्त लेंगे स्कैवेंजर बन रहा है कुल को तो ज्यादा दिक्कत होने नहीं वाली है मार दिया आई टोल्ड यू गाइस नकुल पकड़ लेगा एंगल उसको वाइप करेगा अब एक प्रॉपर 3v3 फाइट है जिसमें पूरा एडवांटेज है आईकुसुल के पास एक भी डिस पुशी भाई ये पुश का कोई सेंस नहीं बनता था अरे भाई साहब माइटी इज द लास्ट मैन स्टैंडिंग नाउ फॉर 8bit esports 1v2 सिचुएशन है एंड विद दैट इट्स अ विनर विनर चिकन डिनर फॉर आईकुसुल भाई मैंने बोला था ऑलरेडी मैंने बोला था जो फ्लो में ये चल रहे थे लास्ट दो टूर्नामेंट ये हैशटैग 2 आए आई डोंट थिंक इस बार घंटा मौका नहीं देंगे किसी को इसलिए मैं इजी प्रेडिक्शन था मेरे लिए मजा आया करके आई थिंक इसके बाद तो हैशटैग 1 सोल ही रहेगा एंड सिर्फ एक मैच बचा है आई एम नॉट श्योर व्हाट्स द पॉइंट डिफरेंस इज बिटवीन हाइड्रा सोल एंड ओजी बट इतना मुझे पता है कि भाई हैशटैग 1 पे सोल है सो फार चलो वन लास्ट मैच वन लास्ट डांस देखते क्या होगा इसके बाद अरे भाई टीम एक्सपार्क वर्सेस गॉडलाइक एडमिनो नॉक फिनिश हो गया ट्रेल्स नॉक जेली एंड जॉनाथन आर द लास्ट मेन स्टैंडिंग टीम एक्सपार्क इज पुशिंग गॉडलाइक को थोड़ा सा फैलना पड़ेगा उनका भी एक बंदा नॉक पड़ा है एक आधा नॉक अगर यहां पे आ जाए तो शायद बात बन सकती है सुधा जी देखिए फैलाव जरूरी है अगर आप ज्यादा फैल गए सर अगर एक आधा प्लेयर नॉकआउट हुआ रिवाइवल नहीं हो पाएगा वो एक चीज है भाई अलग अलग क्यों लड़ रहे गॉड लाइक इतना अलग क्यों लड़ रहे भाई क्या जॉनी बदला ले पाएगा अरे भाई आईको सोल भी आ गया दिक्कत ये होती है कि थोड़ा डर रहता है ऑफ कोर्स ओ नाइस नेट फ्रॉम मान्या ब्रो ब्यूटीफुल था वो मान्या थोड़ा आउट ऑफ माय माइंड था एकदम से पिक्चर में आ गया और मार भी दिया वो जॉनी को वाओ विद दैट गॉड लाइक ईस्पोर्ट्स इज आउट सोल दे वांट टू विन इट इन स्टाइल पुश कर दिए वो दूसरा कोई मान्या लास्ट मैन स्टैंडिंग है लास्ट मैन नहीं है दो बंदे नॉक है पर क्या फर्क पड़ता है एक बंदा बैठ गया रैप देने में दूसरा बंदा ग्रेनेड कुक करने में ओए नाइस नॉक मान्या मान्या कहां से नेड किया पता नहीं हैंड ऑफ द गोल्डन गॉड एक नॉक कर दिए मान्या कोशिश तो जरूर कर रहे हैं कि यहां पे अरे भाई आप किसको यहां पर सबसे तगड़ा कंपटीशन मानते हैं आपका हम खुद मैं गिरा होया बंदा जमा नीचे बल्ली है भाई क्या था ये अपने आप को यहां पे समाप्त भाई क्या था ये एक नेड यहां पे क्यों जैसे ही आप तारीफ करने लग जाते हैं तभी गलतियां पुश कर रहा है स्प्रे गॉड लास्ट मैन स्टैंडिंग है ही आल्सो नो स्प्रे गॉड के लिए ऊपर जाके फाइनल अरे भाई बहुत सही मार दिया रॉनी ने बहुत सही मार दिया बट स्प्रे गॉड डिड द राइट थिंग पुश करना बहुत सही डिसीजन था उधर जीटी भी आ गया पुश करने वाह आखिरी मैच है क्यों नहीं मगर शायद उन्होंने इस चीज को नहीं कर दो अपने सारे मोलोटोव ग्रेनेड इधर वेस्ट कर दो वो चीज नहीं हो पाई बट चलिए अभी के लिए जो थर्ड पार्टी सिचुएशंस है उनके ऊपर थोड़ी चर्चाएं करते हैं आ गया इन्फो आ गया अब इधर आ गया ग्रेनेड इनसे नहीं कर पाते मगर चलिए ये खिलाड़ी करने में सक्षम रहेंगे और वो आगे बढ़ना चाहेंगे ग्रेनेड बाउंस क्यों हो रहे हैं रोनी ने नॉक कर दिया और विक्सकी को नॉक कर दिया शायद सही दिशा में आपको नहीं जाते हुए दिख रहे बट फिलहाल के लिए पर जो फ्लो में खेल रही ना बे आईकुसोल भाई दे दिया रे मान्या ने दे दिया So far, IQSOL has wiped two teams. This will be three if they wipe Gujarat Tigers. NT, without a single casualty, IQSOL has managed to wipe three major squads. With छोटे मोटे teams नहीं है. Godlike, Team Xpark, and Gujarat Tigers. Manya ने पांच, Roni ने तीन. To be honest, 2v बोरी के लिए. आठ finishes already हो चुके हैं. काफी बेहतरीन वो play चल रहा है. And they have succeeded. Wow, that is. Impressive, very very impressive. भाई अब तो जीतना ही पड़ेगा. आईकुसोल को. Hands down the best team in the lobby. Hands down. OG versus uprising rivals. AKO भी knock finish हो गया. Ash भी knock finish हो गया. Trigger is the last man standing for OG. अरे भाई खिलाड़ी यहां पे मौजूद शायद वो खिताब का सब विद दैट ओजी इज आउट वाओ पूरा खात्मा अब सिर्फ हाइड्रा है आई एम नॉट श्योर हाइड्रा के पॉइंट्स आसपास होंगे आईकुसोल के जो भी टीम यहां पे आईकुसोल लीड ले लिया अच्छा खासा करने वाली थी नाउ इट्स प्रेडिक्शन टाइम और यहां पर आईकुसोल बाहर हो गया WSB 3 मैन
MG3 man, टीम तमिलास 3 man, कभी भी फट सकते भाई। रिडन क्या कर रहा है उसके साथ, वो व्हीकल रेनोस रोड रैश खेल रहा है भाई जरूर से बक्की के साथ। और हंटर इज लास्ट मैन स्टैंडिंग फॉर मार्कोस गेमिंग, हाइड्रा इज आउट। चलो भाई हो गया, आई थिंक सोल आर द चैंपियंस ऑफ दिस टूर्नामेंट, इट्स क्लियर। खिलाड़ी उनके साथ मौजूद है, वो मार्कोस गेमिंग को प्रेशर देने के लिए यहां पे मौजूद है, बट यहां पे चलिए मार दिया भाई। समाप्त हो भी जाते तो उनकी डब्ल्यूएसबी का चिकन है मैच, बैकलाइंस भी बहुत बढ़िया डब्ल्यूएसबी का चिकन, बट मेरा प्रेडिक्शन तो डब्ल्यूएसबी का है। दे दिया पेयो को, टेस्टिंग था कोफे लेट्स हम सोलो चिकन निकालने के लिए, लेट्स गो कोफे। आपको दिखने वाली है बिकॉज़ अभी के लिए डब्ल्यूएसबी दे हैव द नंबर्स गेम। Raiden is pushing with MK14 auto. Oi oi oi, biradri de diya ekko. But usse pehle yahan pe it's a 1v1v2 situation. WSB needs to play very carefully, if not the match will not be theirs. Bhai Kofi late Sam ko de diye ye log. Now it's a pure 1v2 situation. Biradri is pushing. Biradri needs to nade, use his utilities if he has any. मगर उस बैटल के अंदर यूटिलिटी इन्वेस्टमेंट बहुत लोग किया, बहुत लोग किया। ओए इज ट्राइंग टू मूव विद दैट, इट्स अ विनर विनर चिकन इनफ फॉर डब्ल्यूएसबी गेमिंग। वंस अगेन प्रेडिक्शन ऑन पॉइंट, बट एट दिस पॉइंट इट्स नॉट अबाउट प्रेडिक्शन, इट्स ऑल अबाउट हु वॉन द टूर्नामेंट, क्योंकि टूर्नामेंट खत्म हो चुका है। बिफोर चैंपियंस एमवीपी अनाउंस कर रहे हैं, क्या बात है रे, AKOP is the MVP of Upthrust Esports India Rising Series 2024. Congrats AK. A lot of people say that I look like you, you look like me. फर्क नहीं पड़ता मुझे, but I'm happy for you brother. Well deserved, well deserved. Does that mean OG won the tournament? AK MVP बना मतलब that OG win the tournament? ये देखना पड़ेगा, ये देखना पड़ेगा। Second runner up, Team Tamilas. Well deserved. बहुत पुराने players है, फिर lineup बन के आई, दो तीन tournament से देख रहा हूँ, मचा रही है। The future is looking bright for this team. That's all I can say. Good job guys. Good to see Maxi, Manti, Mr. IGL and Vadiyar of course. अरे यार runner up है क्या OG यार, इनका बहुत लोग बोलते हैं ये curse है उनका, भाई it's not about curse, this is esports. बहुत अच्छा खेले OG, they were on the top for a lot of time, but in the end looks like IQ Soul has clutched it. Of course they have played fantastic, especially today and yesterday. I think मेरा prediction सही हुआ। I have told you, IQ Soul come back करेगा कल का video में भी। And the winners are, the champions are IQ Soul. Fantastic! Congrats, Manya, Espower, Joker, Knuckle and Roni. Well done. Finally, #2 के बाद #1. Good job, guys. Good job. Happy for the boys. And the coach Mayavi and analyst Ayuki. देखो आ गया, ready बैठे हैं। Congrats, guys. Congrats. Good job. And with that, Upthrust Esports India Rising Series has come to an end. I hope you guys enjoyed the series. अगर इस series में तुम लोगों को कहीं भी थोड़ा भी मजा है ना, इस video को like करना मत भूलना, guys. And subscribe करना मत भूलना. क्योंकि ऐसे सीरीज आते ही रहेंगे इस चैनल पे। तो BGIS इज अबाउट टू कम, PMGO इज अबाउट टू कम, कल से एक नया टूर्नामेंट भी चालू होने वाला है। अगर तुम लोग को उनका वीडियोस चाहिए तो प्यार दिखाओ इस वीडियो पे, लेट्स एम फॉर 30 का लाइक्स। एंड विद दैट बीइंग सेड, मैं मिलता हूं अपने स्टूडियो बैंडलैंड, पीस।